सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? कैसा चल रहा है? आप लोग अपनी वीडियोस रोज देखते हैं? अपनी वीडियोस रोज देखा कीजिए, रोज पढ़ा कीजिए, और जो भी होमवर्क क्लास वर्क मिलता है उसे ध्यान से पढ़िए और याद करते चलिए, ठीक है? अब मुझे बताइए, कल आप क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में आप क्या पढ़े थे? कौन बताएगा? हाँ, तो पिछले क्लास में आप अपनी बुक से पढ़े थे और पेज नंबर 32 पढ़े थे। हिंदी की बुक निकालिए, नोटबुक पेंसिल सारे कुछ निकाल लीजिए, बुक शब्दमौली और पेज नंबर 33 निकालिए। जैसा कि कल आप पढ़े थे 32 यानी कि 32 नंबर पेज, आज आपको पढ़ना है 33 यानी कि 33 नंबर पेज। तो 33 नंबर पेज में क्या पढ़ना है देखिए, रिक्त स्थान भरो, ठीक है? तो आइए 33 नंबर पेज में हम पढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरो। जैसा कि यहाँ सारे रिक्त स्थान में मतलब भरना है पिक्चर चित्र देख करके, सारे में देखिए आपकी बुक में 33 नंबर पेज में चित्र बनाया हुआ है और इस पे उस चित्र का नाम लिखा हुआ है जिससे एक वर्ग छोड़ छोड़ करके लिखा हुआ है, एक या दो बार छोड़ करके लिखा हुआ है, उसे हम पूरा करेंगे जो चित्र है उसका नाम लिख करके, ठीक ना? तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं रिक्त स्थान भर, मैंने लिखी है भरे, ठीक है ना? रिक्त स्थान भरे। दिख रहा है आपको? चलिए आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा अच्छे से, रिक्त स्थान भरे। यहाँ रवर्षि है, कौता संयुक्त है यानी कि आधा क है, आप देखिए सही से लिखिएगा, पूरा क मत लिखिएगा। रिक्त स्थान भरे में क्या है देखिए, पहले चित्र को पहचानिए, क्या है चित्र? कवच, कवच। तो कवच को लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे क, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, बीच में खाली जगह छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे हम च, ठीक ना? अब बताइए मुझे बीच में क्या पढ़े? ये पिक्चर चित्र है कवच का, क व च कवच, यहाँ लिखा हुआ है क डैश च। बताइए बीच में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा वर्ड? व, क्या करेंगे? व। अब ये पूरा हो गया, पूरा शब्द लिख दिया हम, चित्र का नाम हो गया क्या? क व च कवच। इसके बाद देखिए क्या है बच्चों, झड़प, झड़प। झड़प लिखने के लिए हम लिखेंगे झ, बीच में खाली जगह देंगे, डैश खाली जगह मतलब रिक्त स्थान, प। ठीक ना? झ डैश प, मुझे बताइए बीच में क्या पढ़ाएगा? यहाँ है झड़प, तो हम यहाँ लिखेंगे झड़प, ठीक ना? ऐसे झड़प में व्याख्या से बढ़िया होना चाहिए, झड़प। झगड़ कैसे होता है छोटे बड़े होता है, इसी तरह से होगा झड़प। फिर हम देखेंगे तीसरा चित्र क्या चीज का है, तो भजन, ये जो है साधु महात्मा वो क्या कर रहे हैं? भजन। तो हम यहाँ लिखेंगे भ डैश डैश,
ज और न, क्या हो गया? भजन। इसके बाद है नमक, तो लिखा हुआ है न डैश डैश, हमको लिखना है क्या? नमक। न लिखा हुआ है मौन लिखते हुए, फिर कॉल लिखते हुए, क्या हो गया? नमक, ठीक ना। इसके बाद हम देखिए नमक के बाद क्या है? भवन। कैसे लिखते हैं? भ डैश है ना, डैश और न, बीच में क्या बनेंगे हम? भ डैश न, क्या हो जाएगा? भ व न, भवन। फिर है टहल, ट डैश ल, नहीं यहाँ भी डैश ही है, ल नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, दोनों डैश में लिखा हुआ, मतलब खाली जगह, खाली स्थान। तो ट ह ल, ठीक है, ह ल कर दिए खाली जगह पे, हो गया टहल। ठीक है, उसके बाद क्या है जो? चमक। अब आगे देखिए चमक है, तो हम लिखेंगे च, बीच में दोनों जगह खाली, तो च म क, चमक हो गया। चमक के बाद है भजन, सॉरी ऊपर जो झड़प के बाद लिखे थे ये, इसमें होगा भगत, ठीक है, होगा भगत और यहाँ होगा भजन चमक के बाद। ध बीच में डैश से और न, ध है खाली जगह डैश है और न, तो बताइए बीच में क्या होगा? ज ध ज न, भजन। समझ गए? भजन के बाद में है तरल, यहाँ त डैश डैश दोनों जगह डैश है, दोनों जगह उनको भरना है, तो क्या होंगे? त डैश डैश, क्या होंगे इस तरह? त र और कैसे र और न, तरल, ठीक है। तरल के बाद देखिए क्या है? कलम, तो हम लिखेंगे यहाँ क क और दोनों जगह खाली जगह, दोनों जगह डैश है, खाली जगह यानी खाली स्थान, तो यहाँ क लिखा हुआ है और चित्र क्या चिखा है? कलम का, यहाँ क लिखा हुआ है तो हमको क्या लिखना है इस खाली जगह में? ल म, क्या हो गया? कलम, ठीक ना। इसके बाद है नहर, न के बाद बीच में खाली जगह है और यहाँ ल है, अब बताइए बीच में क्या करेंगे? नहर है तो न ह, ठीक ना, बीच में हम ह भर दिए, हो गया न ह र नहर। फिर इसके बाद क्या है? ख डैश ल, सॉरी ख डैश ल, ख डैश ल, बताइए बीच में क्या बनेंगे हम? ख र ल,
खड़ यानी कि ओखल है ना, ओखल का चित्र इस तरह से। यह आपका 33 पेज नंबर खत्म हो गया। आइए हम बड़े से पढ़ लेते हैं। समझ लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। रिक्त स्थान भरे, रिक्त स्थान भरे यानी इसका मतलब होता है खाली स्थान, जगह खाली जगह, यानी कि खाली जगह को भरना है, उस पर लिखना है सही वर्ण कौन सा हो, शब्द कैसे बनाएंगे, सही चित्र देख करके हम उसे समझेंगे फिर लिखेंगे। तो यहाँ चित्र है में देखिए कवच का, आप लोग मिला के चलिए। अब लिखिए जो है उसे पहले बात देखिए, जैसे मैं आपको पहले जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कुछ गलत है तो उसे मिटा करके फिर सही से लिख लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं आपको। हो गया, लिख लिए होंगे। देखिए खाली जगह को देखना है, क है ये खाली जगह है और च और चित्र क्या चीज का है, कवच का, कवच का तो यहाँ क खाली जगह च लिखा हुआ, तो बीच में क्या हो गया व, तीनों मिलकर पढ़ेंगे क व च कवच हो गया। फिर है झड़प का चित्र, तो यहाँ झ लिखा हुआ है, यहाँ खाली जगह था, यहाँ क है, तो बीच में कौन सा वर्ण होगा, झ र प, झ प लिखा हुआ है तो बीच में क्या कर दिए झड़प झड़प झड़प। फिर है भ टेस्ट, भगत का ये है क्या बोलते हैं चित्र है बुक में, ठीक है ना। तो इस तरह से भ डैश डैश, तो यहाँ हम क्या करेंगे पहले बोलेंगे उसके लिए भगत और यहाँ लिखेंगे भ, लिखा हुआ है खाली जगह लिखेंगे ग त भगत हो गया। फिर देखिए यहाँ है चित्र नमक का और यहाँ लिखा हुआ था न गैस डैश, तो हम क्या करेंगे इसके लिए ध्यान देंगे, बोलेंगे पहले नमक, तो ना लिख दिए फिर खाली जगह पे भरेंगे म और क नमक, तीनों मिलकर बन गया। फिर है भव न, भवन का चित्र है पिक्चर, तो भवन लिखने के लिए लिखा हुआ है रूप में भ डैश न, भ डैश न, बीच में क्या भरेंगे उसके लिए पढ़ेंगे भ व न, तो बीच में व भर दिए भ व न भवन। फिर है टहल, तो यहाँ है ट खाली जगह खाली, टहल बोलेंगे उसके लिए ट लिख दिए फिर ह लिख दिए ल हो गया। उसके बाद है चमक, च म क, सॉरी च खाली जगह क, च मतलब च खाली जगह क, अब बीच में हमको क्या भरना है उसके पहले बोलेंगे च म क चमक, यहाँ बोलेंगे च म क, बीच में कौन सा भरना है म, म लिख दिए। फिर है भ ज न, सॉरी भ डैश न, इस तरह से तो हम भजन बनाने को, तो भ ज न, ज आया पीछे बीच वाले खाली जगह पे हम ज लिख दिए, ये गया भजन। फिर आगे देखते हैं हम चाहेंगे तरल चित्र है रूप में तरल का, त डैश ल बराबर है, सॉरी बराबर है तो डैश डैश दोनों में डैश नहीं है,
द्रव्यमान भरना है, यहाँ तरल का चित्र है तो हम बोल के यहाँ भर देंगे त र ल रन तरल। फिर है कलम का चित्र और यहाँ लिखा हुआ है क डैश डैश, तो इसलिए बोलेंगे हम पढ़ेंगे फिर लिखेंगे क बोले बोलेंगे। फिर ल भी लिखा है, म भी लिखा है, तीनों में से क्या बन गया कलम। फिर है नहर न डैश र, इसमें क्या करेंगे फिर पढ़ेंगे न ह र, हाँ लिखते हैं। फिर है खरल, फिर क्या लिखेंगे ख र ल खरल, इसमें तो ल बना है हो गया खरल। इस तरह से आप खाली जगह से खड़े 33 पेज नंबर में तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अभ्यास करते रहिएगा। इसे आप देखिए